Good morning, everyone. Namaste. Let us continue exercise 1.1 of page 11, question number 1, the sixth problem. So let y equal to under root 3x minus 5 minus 1 upon under root 3x minus 5 ka power 5. So let y is equal to main function hai power 5. So uske andar jo bhi kuch dikh raha hai bracket mein usko u maan lete hain, u power 5. इसको नंबर दे दो 1, वेयर u इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5. इसको नंबर दे देते 2. अब y u का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव u से फाइंड किया जा सकता है, और u x का फंक्शन है तो u को x से डिफरेंशिएट किया जा सकता है. ये डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to u, y u पर dependent दिख रहा है, तो ये मिला dy by du equal to u power 5 का derivative u से लेना है, तो x power n का derivative x के समान हो गया वो, तो derivative मिल जाएगा n x power n minus 1 5 u power 5 minus 1 that is 5 u power 4. इसको number देते थे 3. अब इसकी बात करते हैं, u function of x दिख रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा. अब यहां दो फंक्शन है, दो फंक्शन का सबट्रैक्शन, तो जो रूल है डिफरेंशिएशन के वो अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x ये रिकॉल कर लो, ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x, और ddx of 1/√x इसके लिए ddx of 1/√x, तो इसको सिंपलीफाई करते ddx of x पावर माइनस हाफ, ऊपर गया पावर हाफ, ऊपर गया माइनस हाफ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ x पावर माइनस हाफ माइनस 1 n x पावर n माइनस 1 का रूल लगाए, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ x पावर माइनस 3/2 माइनस 3/2. यदि उसको पावर को माइनस हटाकर लिखना हो तो उसको डिनोमिनेटर में ला लेना होगा, बट लेट इट बी. ये फॉर्मूले हमने यहां रफ पार्ट में सॉल्व करके बता दिए, ठीक. और दिस कैन बी रिटन एज माइनस हाफ 1 अपॉन एक्स पावर 3/2. यदि पावर माइनस नहीं चाहिए तो डिनोमिनेटर में अप्लाई करो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ. अब हो क्या रहा है, ध्यान देना, रूट के अंदर केवल x नहीं है, तो रूट के अंदर 3x माइनस 5 है. ये रूट x का डेरिवेटिव x से लिया तो 1 अपॉन 2 रूट x हो गया, तो इसको पूरे पूरे स्टेप्स के साथ लिखते, डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ रूट 3x माइनस 5 माइनस ddx ऑफ 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5. अब चाहे तो इसको भी फिर नया वेरिएबल पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं चेन रूल लगाकर. तो रूट का डेरिवेटिव पहले अप्लाई करो, 1/2 रूट, इसको समथिंग कहा है, 1/2 रूट ऑफ समथिंग, तो ये पूरा एज इट इज 3x माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, इनर फंक्शन, इनर में है 3x माइनस 5, तो ddx ऑफ 3x माइनस 5 ये हो गया इसका डेरिवेटिव. Derivative of root of something is 1 upon 2 root something into derivative of something. या ऐसा कहते हैं, root का derivative 1 upon 2 root into derivative of inner function. Inner में है 3x minus 5. आगे बात करते हैं. Minus, curly bracket. अब इसका 1 upon root x का simplification हम यहाँ लिख दिए हैं. 1 upon minus 1 upon 2, 1 upon x power 3/2. तो जब root x हो denominator में, तब तो उसका derivative ऐसा आ रहा है. तो यदि यहां समथिंग हो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट समथिंग विल बी माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन समथिंग पावर 3/2. तो ये रूल देखते हुए अप्लाई करो, माइनस 1 अपॉन 2 इनटू समथिंग पावर 3/2, खत्म नहीं हुआ अभी,
क्योंकि अकेला x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ टी एक्स माइनस फाइव बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, ठीक कर लेते इसको, सिंप्लीफाई कर लेते, तो देयरफॉर डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू इसका डेरिवेटिव, थ्री के साथ एक्स है तो थ्री इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, यानी रह गया थ्री, और माइनस कॉन्स्टेंट अकेला है फाइव, उसका डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव मिल गया थ्री, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस ऑफ माइनस प्लस वन बाय टू, ये पावर थ्री बाय टू को क्या लिखा जा सकता है, एक्स पावर थ्री बाय टू है तो एक्स इंटू एक्स पावर हाफ लिखा जा सकता है ऐसा, यानी एक्स इंटू रूट एक्स ऐसा लिखा जा सकता है थ्री बाय टू को, तो इसको लिख देते हैं उस पैटर्न में, थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव इज थ्री, कुछ कॉमन निकलते दिख रहे, वन अपॉन टू रूट, वन अपॉन टू रूट कॉमन, थ्री भी है कॉमन, तो ये हो गया थ्री अपॉन टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव कॉमन, बचा क्या यहां पर वन प्लस, यहां बचा वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव, जितना कर सकते हैं सिंप्लीफाई उतना कर लेना चाहिए, एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर देते इसको, तो डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस वन, यानी थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव, आफ्टर टेकिंग एलसीएम थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव, इसको नंबर दे दो फोर। अब dy by du आ गया, du by dx आ गया, हमको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो y u पर डिपेंड होते दिख रहा है और u x पर डिपेंड होते दिख रहा है, हियर y डिपेंड्स ऑन u, u डिपेंड्स ऑन x, सो y डिपेंड्स ऑन x, कंपोजिट फंक्शन बन गया, y कंपोजिट फंक्शन ऑफ u विच इज फंक्शन ऑफ x, तो y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, तो देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको ऐसा भी कहते हैं बाय डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक्चुअली एक बार हम इस्तेमाल कर ही चुके हैं उसको, अभी ये पूरा पैटर्न में लिखकर यूज कर रहे हैं, dy by dx y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy by du इनटू du by dx, ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इंप्लाई dy by dx इज इक्वल टू dy by du, ये है नंबर थ्री में, फाइव u पावर फोर इनटू du by dx यहां पर है 3 बाय 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 बाय 3 एंड 4, 3 और 4 से वैल्यू पुट किए हैं। अब लेकिन dy बाय dx की बात करें तो पूरा रिजल्ट x में चाहिए क्योंकि फंक्शन हमारा x में था, तो ये u की जगह फंक्शन जो x का है वो पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स u अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5, ये u हो गया 2 से u, इसका पावर है 4 इंटू, ये पूरा पूरा लिख लेते, तो 3 टाइम्स 3x माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 3x माइनस 5 है और इंटू 3x माइनस 5,
तो 3x माइनस 5 का पावर 3/2। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन पावर में 4 बैठा है तो सिंप्लीफाई करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बहुत बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो इसको आंसर बोलकर छोड़ा जा सकते हैं, dy by dx, दिस इज आंसर। इसी के लिए अल्टरनेट मेथड डिस्कस कर लेते, वो ओरली डिस्कस करते, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। देखो y पावर फंक्शन दिख रहा है, समथिंग पावर 5, तो क्या करेंगे जब dy by dx की बात करनी होगी, dy by dx की बात करनी होगी तो समथिंग पावर 5, तो रूल लगा देते हैं 5 समथिंग पावर 4 इनटू ddx ऑफ समथिंग, ddx ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब क्या हुआ, ये ddx ऑफ समथिंग, तो ये सॉल्व किया हुआ। तो इस पैटर्न को जब सॉल्व करते चले जाएंगे ये हमको आंसर दिखेगा, 5 समथिंग पावर 4 और ddx ऑफ समथिंग मतलब ddx ऑफ इनर फंक्शन, ddx ऑफ इनर फंक्शन मतलब ddx ऑफ u, उसको सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा, तो वी विल गेट सेम आंसर। तो अब इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हम ये मेथड से सॉल्व करेंगे। अब विदाउट पुटिंग वेरिएबल u, हम डायरेक्ट ध्यान में रखते हुए कि कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का रूल हमको पता है, जिसको चेन रूल भी कहते हैं, तो चेन रूल अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके आगे सभी प्रॉब्लम लगभग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी का, डिनोट गिवन फंक्शन इज y, तो y इज इक्वल टू 3/5 इनटू क्यूब रूट ऑफ 2x²-7x-5 का पावर 5। तो इसको पहले ठीक करते हैं, तो दैट इज y इज इक्वल टू 3/5, तो कांस्टेंट रख दिया इधर 1/, अब ये जो क्यूब रूट का मतलब पावर में लिख देते हैं 2x²-7x-5 का पावर 5 है 1/3 क्यूब रूट, मैंने 1/3, अब ये बन गया 5/3, इसको ले जाते ऊपर न्यूमरेटर में, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/5 2x²-7x-5 का पावर 5/3 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके -5/3 हो गया, इसको नंबर दे दो बाय। अब ये पावर फंक्शन के समान दिख रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हमने एक किया था सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 कल इस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। अब इसको अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव करना है इसका, dy by dx फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x किसके समान दिख रहा है, u पावर n के समान दिख रहा है, चेन रूल मतलब क्या हो गया, y इज फंक्शन ऑफ समथिंग एंड समथिंग इज फंक्शन ऑफ x, तो देयरफॉर dy by dx कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट तो रहेगा ऐसे, समथिंग पावर -5/3, लगाओ पावर फंक्शन का फॉर्मूला, -5/3 समथिंग का पावर -5/3 -1, खत्म नहीं हुआ अभी क्योंकि अकेला x नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, तो आगे चलना पड़ेगा इनटू ddx ऑफ समथिंग बाय चेन रूल, दिस इज बाय चेन रूल, ये बात समझ में आती है, ये जो समथिंग है लिख दो 2x²-7x-5 2x²-7x-5 और आगे कंटिन्यू करो, तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 5 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, रह गया माइनस साइन 2x²-7x-5 पावर -5/3 -3 है तो बन गया -8/3 -8/3 इनटू डेरिवेटिव करना है तो 2 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x2 साथ में पहले से है 4x -7x का डेरिवेटिव 7 -5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 चाहे तो इसको नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर dy by dx इक्वल टू -4x -7 अपॉन 2x²-7x-5 का पावर 8/3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2
उसका 12th प्रॉब्लम देखिए, y इक्वल टू sec 10 ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब पहले तो ये डिसाइड कीजिए यहां कितने फंक्शन हैं, मेन फंक्शन कौन सा दिख रहा है, मेन फंक्शन बोलो, बाहर कौन सा फंक्शन है, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, sec, गुड, sec फंक्शन, वो किस पर डिपेंड करते दिख रहा है, sec फंक्शन किस पर डिपेंड करते दिख रहा है, tan पर, यानी उसके अंदर tan फंक्शन है, और tan फंक्शन किस पर डिपेंड करते दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 4 पर, x स्क्वायर प्लस 4 पर, और ये x स्क्वायर प्लस 4 है, सीधा सीधा x नहीं है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, और ये डिपेंड कर रहा है x पर, x स्क्वायर प्लस 4 x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मेन फंक्शन sec x है, तो पहले मेन फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद में अंदर जो फंक्शन है tan उसका डेरिवेटिव, उसके बाद में अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब कंप्लीट y इज फंक्शन ऑफ x हो गया, दिस इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम चेन रूल से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x समझ में आ रहा है, लिख देते हैं, ये केवल अपने समझने के लिए है, हियर y इज अ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, therefore by chain rule of differentiation obvious है, dy by dx is equal to, अब ध्यान देना इसको हम बोल कैसे रहे हैं, sec of something, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो sec का डेरिवेटिव पहले ले लो, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, sec x tan x, तो sec of something tan of something, अभी हम sec, अच्छा ये है ना पावर 4 है प्रॉब्लम में, x पावर 4 प्लस 4, तो sec x का डेरिवेटिव अप्लाई किए तो sec of something, तो उसका डेरिवेटिव हो गया sec something into tan something, अब डेरिवेटिव यहां खत्म नहीं हुआ, sec x होता तो डेरिवेटिव sec x into tan x बोल के रुक जाते थे, लेकिन समथिंग है x अकेला नहीं है, तो into d dx of something, ये चेन रूल लगा, ये बात समझ में आती है, समथिंग पुट कर दो तो tan of x power 4 plus 4, tan of x power 4 plus 4, tan of x power 4 plus 4, अब ये आखिरी तक के चलेगा ऐसे ही, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, ये आखिरी तक के ऐसे ही चलेगा, जो भी काम होगा इस पर काम होगा अभी, तो दिस इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट है ना, ये पूरी टर्म ऐसी चलेगी, sec of tan x power 4 plus 4 into tan of tan x power 4 plus 4 into, अब इसकी बात करते हैं, तो bdx of tan x नहीं है, tan of something है, तो derivative of tan x क्या होता है पहले ये recall करो, good, sec square x होता है, लेकिन अकेला x नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको यहां पर, हाँ ये tan of something, तो इसका जब derivative लिखेंगे तो derivative लिखते समय tan x का derivative sec square x है, तो यहां पर tan something का derivative sec square something, रुकेंगे नहीं, into ddx of something, अब वो something क्या था, x square plus 4, तो x square x power 4 plus 4 plus 4 x power 4 plus 4, again by chain rule, again by chain rule, अब ये पूरे topic में हमको chain rule इस्तेमाल करना है, तो हम short form लिख रहे हैं cr, लेकिन एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अब ये भी आखिरी तक के चलेगा, एक दो तीन ये आखिरी तक के चलेंगे, इसकी बात करनी है, ये sec 10 x पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 10 ऑफ x पावर 4 प्लस 4
इनटू, ये इनटू में है सब कंटिन्यूशन में ना, सिक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस फोर इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स पावर फोर का डेरिवेटिव एक्स से, एक्स पावर एन के समान हो गया, एक्स से डेरिवेटिव ले रहे तो फोर एक्स क्यू प्लस फोर का डेरिवेटिव एक्स अकेला कॉन्स्टेंट है, ये जीरो, ठीक है। तो बस इसको फोर एक्स क्यूब बोलकर लिखा जा सकता है, समझ में आता है तो बस फोर एक्स क्यूब। अब फिर से दोबारा इतना लिखने के बजाय यहीं पर इसको आंसर बोल दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 ऑफ क्वेश्चन 2। अब देखो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, यदि ये माइनस की जगह प्लस होता तो क्या बनता था, ये यदि ये माइनस की जगह प्लस होता तो इसको क्या, वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो। तो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, यदि कॉन्स्टेंट बनता तो उसका डेरिवेटिव जीरो बन जाता, लेकिन प्लस नहीं है माइनस है, इसलिए अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले ठीक से लिख लेते, दिस इज सेम एज साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो उससे ना समझना आसान होगा, साइन इंटू साइन एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया फंक्शन, इसको नंबर दे देते वन। अब डेरिवेटिव वाई कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो फंक्शन है ये x पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x है, सीधा सीधा x पर नहीं दिख रहा है, वो साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है। तो लिख दो पहले तो एक सेंटेंस, हियर y इज अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां दो टर्म है तो डेरिवेटिव ऑफ वो जो सम और डिफरेंस के रूल्स थे वो रूल अप्लाई कर देते, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड कॉस एक्स स्क्वायर बाय रूल ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ सम, रूल ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ प्रोडक्ट, रूल ऑफ कोशेंट, डिफरेंशिएशन के चार रूल पढ़े थे। अब एक एक की बात करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब यहां पर मेन फंक्शन कौन सा हो गया, इस पार्ट में मेन फंक्शन का काम कौन कर रहा है, जो सबसे बाहर होगा पावर फंक्शन, गुड गुड, पावर फंक्शन स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ऐसा मान के चलो कैपिटल एक्स स्क्वायर, और हम हमारी लैंग्वेज में बात करते समथिंग का स्क्वायर है, तो अप्लाई करते रूल समथिंग का स्क्वायर, तो रूल अप्लाई किए तो समथिंग का स्क्वायर रूल कैसा मिलेगा, टू टाइम्स समथिंग पावर वन, तो टू टाइम्स समथिंग पावर वन, खत्म नहीं हुआ यहां पर, अब वो इनर फंक्शन जो है समथिंग उसका डेरिवेटिव लेना होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो बाद में लिखते इसको, समथिंग पावर टू है तो चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, टू समथिंग पावर टू माइनस वन यानी वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ये इसकी बात हो गई। अब ये समथिंग क्या है वो लिख दो पहले अंदर, साइन एक्स स्क्वायर, लिखने का तरीका समझ लो ठीक से, इसका काम हो गया, अभी एक बार इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लेते, एक बार ये सॉल्व हो गया तो इसके समान ही तो दिख रहा है ये, फिर इसको आगे सॉल्व कर देंगे पूरा, ओके इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही चलेगा, टू टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अभी अकेला साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो अभी यहां मेन फंक्शन का काम कौन कर रहा है, इसमें इसमें मेन फंक्शन क्या हो गया,
साइन, वो डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, तो फिर से चेन रूल लगेगा यहाँ पर। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन समथिंग, अब ऐसा कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन समथिंग, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हो गया कॉस विथ समथिंग इंटू डीडी एक्स ऑफ समथिंग, अगेन बाय चेन रूल, यहां पर चेन रूल लगा। अब हमको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिख रहा है, तो अब उसको सॉल्व करके 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा एक चीज और सुनो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, अब फिर से यदि हम इनर फंक्शन की बात करें उसका डेरिवेटिव यदि फाइंड करने की कोशिश करें, मतलब ये पावर फंक्शन मान लिया तो उसका तो डेरिवेटिव लगा दिया 2 टाइम्स x, और इनर में x है तो उसका डेरिवेटिव यदि फाइंड करें तो इंटू 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x से 1 आ जाएगा। तो चेन रूल कब तक के लगाना है, जब तक के लास्ट डेरिवेटिव 1 नहीं मिल जाता। तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए बात कर रहे हैं। इनर फंक्शन x का फिर से यदि डेरिवेटिव करें इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो दैट इज 1। तो यहां तक के पहुंच गए। अच्छा अब इसको और कुछ ठीक ठाक करके लिखा जा सकता है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में 2 है तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो इतना जो पार्ट है ये लिखा जा सकता है साइन 2x स्क्वायर इंटू, ये 2x तो है इसको सामने लिख देते, ये वाले 2x 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये सब हमने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया है, ये फर्स्ट हुआ सॉल्व। अभी वो जो सेकंड एक्सप्रेशन है काफी कुछ मिलता जुलता है, उसको सॉल्व करते हैं आगे के स्टेप्स। आप लिखते समय एक साथ सॉल्व करना, अभी हमने एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक पार्ट सॉल्व कर दिया, मतलब सिंगल प्रॉब्लम होता तो क्या होता था, सिंगल प्रॉब्लम होता तो ये सॉल्यूशन हो जाता। देखो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग का स्क्वायर अप्लाई करते हैं 2 टाइम्स समथिंग इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग बाय चेन रूल है। अब ये तो चलेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग, कॉस का डेरिवेटिव माइनस आया इसलिए ब्रैकेट में लिखा है और ये इंटू में है सारी चीजें, ये माइनस को बाहर ले लो तो ये बन गया प्लस, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, ब्रैकेट में चला 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा वो हो गया साइन 2 थीटा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x है, ये सामने लिख देते 2x sin 2x square plus 2x sin 2x square final answer dy by dx is equal to 4x into sin 2x square add हो गया दोनों को, another method to solve same problem or alternate method देखो sin square theta minus cos square theta दिख रहा है ये, तो यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप आइडेंटिटी रिकॉल करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से यदि रिकॉल करें तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा यहां दिख रहा है, बस माइनस का फर्क है, माइनस करो ना बाहर, माइनस बाहर करो cos स्क्वायर x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये एंगल है x स्क्वायर, माइनस बाहर करके ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये उस फॉर्म में आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन गया माइनस cos 2 टाइम्स एंगल, माइनस बाहर है cos 2 टाइम्स x स्क्वायर, ये हो गया y। अब सीधा सीधा cos x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, cos पर डिपेंड कर रहा है, cos 2x square पर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज और दस y इज अ कंपोजिट फंक्शन
कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू माइनस रहेगा बाहर, कॉस मेन फंक्शन है उसके अंदर समथिंग, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग, तो माइनस साइन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग ddx ऑफ 2x पर, राइट? तो डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर लिख लो, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी आ गया 4x इनटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर, सेम आंसर। तो यदि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो ये भी तरीका हो सकता है। अब दोनों जगह क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करो, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए सोचना पड़ रहा है, तो पहले ब्रेन ज़्यादा यूज हुआ और फिर बाद में जो वर्क है, स्टेप्स है, वो कम यूज हो गई, और पहले वाले प्रॉब्लम में हमने बिना ज़्यादा ब्रेन यूज किए डायरेक्ट देखा और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिए, तो वहाँ स्टार्टिंग में ब्रेन कम यूज हुआ और स्टेप्स ज़्यादा लगी, तो इट डिपेंड्स, बैलेंस हो जाती है चीज़ें। ब्रेन यदि आप पहले इस्तेमाल कर ले तो चीजें आसान हो सकती है। चलिए इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आज रुकते हैं यहां पर, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।